तो भाई अपनी बाइक फाइनली मिल चुकी है, ये लेके जा रहे हैं। तो भाई फाइनली अपनी बाइक है चेन्नई की सड़कों पे। वो रहे खूबसूरत पेड़ और वो रहे खूबसूरत पहाड़ और वो रहा खूबसूरत सनसेट। तो भाई चेन्नई के हाईवे पे अपनी गाड़ी उतार दी है, पहली बार साउथ इंडिया के हाईवे पे अपनी गाड़ी आई है। ओ भाई गर्मी में रिवर का हाल देखो, पूरी रिवर सूखी पड़ी है, रिवर गायब हो गई पूरी। जा रहे थे तो यहाँ पे गाना बज गया, तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। और मैं आसमान की ऊंचाइयों पे चेन्नई। आज हम सुबह चेन्नई आ गए हैं और ट्रेन में मिल गई थी सुबह अर्ली मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 10 और हम चेन्नई में अपनी बाइक को लेने जा रहे हैं। बाइक हमारी आ चुकी थी, रात में मैसेज आ गया था, तो बहुत खुशी है। अभी दिखा रहे हैं आपको बाइक लेते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। अभी चलते हैं और बाइक लेते हैं जल्दी। तो भाई अपनी बाइक फाइनली मिल चुकी है, ये लेके जा रहे हैं। एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद भाई बाइक अपने हाथ में और फिर हमें आगे राजा है, फिर हमें केरला जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी चलते हैं, अब बाइक पे ही मोटो ब्लॉग करके दिखाएंगे आपको। भाई फाइनली चेन्नई की सड़कों पे अपनी बाइक दौड़ रही है आज। और अभी हम चल रहे हैं कोडाईकनाल के लिए, लेकिन उससे पहले हमें डलाना है यार पेट्रोल। 50 रुपये का पेट्रोल लाए थे वहाँ पे, और 50 में यार कितना ही चलेगी बाइक। तो पहले पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, और नॉर्थ आज साउथ में घूम रहा है। तो भाई सफ़र की शुरुआत करने से पहले एक काम करना है, इसको जीरो कर देते हैं पहले। जीरो हो जा भाई, जीरो हो जा, हो जा। तो भाई जीरो हो गया ये। तो आया चेन्नई सेंट्रल, राजीव गांधी हॉस्पिटल। बहुत दिन हो गया यार ऑटो से घूमते घूमते, अब अपनी बाइक से घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है यार। लगेज इतना ज़्यादा हो जा रहा था कि मतलब पैकिंग एंड पैकिंग, तो बाइक में वो टेंशन नहीं रहती है। तो भाई मीटर जीरो कर दिया था अभी। मीटर जीरो करने के बाद अभी हम चल रहे हैं कोडाईकनाल के लिए। अभी पता चलेगा आपने साउथ में कितनी ट्रैवल करा है। और ये यार बहुत अच्छा लगता है, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, पता नहीं क्या है इसके अंदर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, जैकेट पहनने में थोड़ी उलझन हो रही थी, पीठ पे पूरा मेरे पसीने से गीली हो गई थी। तो लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा आगे चेन्नई पार होगा तो थोड़ी गर्मी कम होगी, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है चेन्नई में। सबसे पहले मिल गया पेट्रोल पंप यार, पेट्रोल डला के फिर निकलते हैं। फुल कर दो। चिल्ड वाटर, चिल्ड वाटर मशीन, वाटर मशीन, वाटर अवेलेबल है। ड्रिंकिंग वाटर है ना, कोल्ड वाटर। खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अपनी बाइक आज चेन्नई की रोडों पे दौड़ रही है। मतलब मेरा सपना था कि साउथ इंडिया में अपनी बाइक से जाऊं, तो वो तो मैं आया नहीं था, लेकिन मैंने बाइक अपनी ज़रूर मंगा ली। तो साउथ इंडिया प्रॉपर मैं आज जाऊंगा केरला की तरफ। तो तुम्हारा भाई आज जा रहा है कोडाईकनाल वाया चेन्नई, तो बहुत खूबसूरत सफ़र होने वाला है आज का। मे बी आज पहुँच जाए तो अच्छा है भाई, 520-530 किलोमीटर है, तो चलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी ज़्यादा है, बाइक हीट ना मारे। वैसे मैंने 800 किलोमीटर भी एक दिन में चलाई है, कानपुर टू मसूरी, हाईएस्ट जो मेरी अभी तक है। तो उस टाइम भाई वेदर अलग था, क्योंकि उस टाइम एक्सट्रीम विंटर थी, और अभी समर है, जब समर वैसा वाला नहीं, ह्यूमिडिटी वाला, तो थोड़ा डर सा लगता है ज़्यादा एक बार में। थोड़ा रेस्ट दे के चलाएँगे बीच बीच में। तो अभी चेन्नई जल्दी से पार होता है तो थोड़ा आराम मिलेगा यार, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है तो बाइक चला भी नहीं पा रहे कंटिन्यू। कि पिछली बार मैं अकेले गया था तो बाइक तेज चला भी ले रहा था, और इस बार हम दो लोग हैं, मतलब मैं और जो मेरा फ्रेंड अंकित, तो दोनों साथ में जा रहे हैं। तो जब गाड़ी में दो लोग भी हैं तो पावर ज़्यादा लग रही होगी। भाई बाइक में दो लोग भी हैं तो बाइक इतनी तेज़ कहाँ चल पाएगी इस बार। तो भाई चेन्नई के हाईवे पे अपनी गाड़ी उतार दी है, पहली बार साउथ इंडिया के हाईवे पे अपनी गाड़ी आई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
ये मतलब ये खुशी मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। जो बाइकर होते हैं ना, उनका सपना होता है कि मतलब दूर दूर गाड़ियाँ चलानी है। मतलब अपने तरफ के तो हाईवे टच बहुत कर चुके हैं आसपास के, जो साउथ इंडिया मतलब जो देश का दूसरा हिस्सा है, मतलब देश के दूसरे हिस्से में जो गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा है ना, वो अलग ही आ रहा भाई। अभी देखो शायद नज़ारे चेंज होंगे तो और मज़ा आएगा। तो आज की राइड की शुरुआत करते हैं फिर आज बजरंग बली के नाम के साथ। तो जय हो बजरंग बली भाई। ये है पहला टोल अपने साउथ इंडिया राइड का। तो अपने नॉर्थ और साउथ में ये चीज़ तो कॉमन हो गई भाई कि हाईवे पे टैक्स नहीं लगता है। बस यमुना एक्सप्रेसवे पे मैंने आज तक टैक्स दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया। तो भाई आते आते क्या नज़ारे देखने को मिल रहा है यार, ये क्या देख लिया भाई, ये कौन सी लेक है, ये कौन सा तालाब है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ऐसे ही दिखा रहे जयनगर कोई जगह का नाम है, ये वही पे है। तो भाई देखो 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 नज़ारे बदल रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो कुछ चालू भी नहीं हुआ यार, अभी तो 20 किलोमीटर ही निकला है और ग्रीनरी थोड़ी अच्छी लग रही है अभी यहाँ पे। ये नारियल के पेड़ देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब चार चांद लगा रहे हैं यहाँ के हाईवे की खूबसूरती को। वाओ वाओ वाओ, 6 लेन हाईवे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ऐसे ओवरटेक करने में, अच्छे से चल रहा है भाई। तो ये भी एक मिथ क्लियर हो गया है, 6 लेन हाईवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि भाई मानसून में आना और थोड़ा टाइम लेके आना, क्योंकि मानसून में बारिश भी ज़्यादा होती है तो इतनी देर रनिंग नहीं ले सकते आप। पता नहीं कब बारिश चालू हो जाए और बंद भी नहीं होती है। कितना अच्छा लग रहा ना हाईवे, ये देखने में एक नंबर है भाई, पूरे हिल्स आगे सामने ना हम लोग के, सामने हिल्स चल रहे हैं हम लोग के और नीचे हम लोग बाइक चला रहे हैं। क्या खूबसूरत व्यू दिख रहा है भाई। अभी तो 60 किलोमीटर ही पार हुआ है हम लोग का, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है भाई यहाँ चलाने का, क्या मस्त हाईवे है ब्रो यहाँ के। मतलब हाईवे तो हाईवे, हाईवे के साथ जो खूबसूरती है वो भी अच्छी है। तो पूरे हाईवे पे ग्रीनरी तो कंटिन्यू देखने को मिल रही है, कंटिन्यू ग्रीनरी है मतलब। और मौसम भी अच्छा हो गया है ऊपर वाले की वजह से, वो धूप चली गई है। ओहो, आई थिंक माउंटेन्स आने चालू हो गए। क्या भाई खूबसूरत नज़ारा है ये साउथ का, मतलब साउथ में ब्यूटी तो बहुत ही अल्टीमेट है। चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, चाय कॉफ़ी पी के निकलते हैं दोबारा। देखो देखो भाई क्या खूबसूरत रोड मिल गई है अपने को, एक नंबर है भाई। तो आज अपने साथ सबसे गंदा स्कैम हुआ है, हम सुबह पांडुचेरी से चेन्नई आए थे अपनी बाइक लेने, फिर हमें जाना था कोडाई कैनल। स्कैम ये है कि हम उसी रास्ते से दोबारा वापस जा रहे हैं पांडुचेरी जहाँ से सुबह हम आए हैं वापस। तो इतना तेज, मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है मन में, काश मेरी बाइक पहले आ गई होती तो इतना डिस्टेंस दोबारा और इतना हेक्टिक नहीं होता दिन आज का। कोशिश करेंगे भाई कि पूरा पहुंच जाए, आज ख़त्म करते हैं रास्ते को, इससे कल हम लोग सुकून से घूम सकेंगे कोडाई कैनल में, क्योंकि कोडाई कैनल में घूमने की बहुत सारी जगह है। तो भाई ये देखो हम लोग खा रहे हैं साउथ इंडियन फूड, डिहाइड्रेट हो गए थे बुरी तरह से, भूख भी लग रही थी, सुबह से खाया नहीं है, अभी खा कर निकलेंगे। तो एक केले के पत्ते में फ्राइड राइस मिल गए यहाँ के। तो भाई अभी सब नाश्ता वास्ता सब करके हम लोग निकल रहे हैं दोबारा से, और टारगेट अब तिरुचिरापल्ली है जो 180 किलोमीटर अप्रॉक्स है यहाँ से। तो कोशिश करते हैं डायरेक्ट वहीं रुकेंगे। तो ये थंजावुर जा रहा है, ये मदुरै जा रहा है, ये कुंभकोणम जा रहा है, और अपने को इसी रास्ते में जाना है मदुरै वाले पे। लो भाई एक बार फिर से देख लो पांडुचेरी यही है। तो भाई यही वही पांडुचेरी जहाँ से सुबह हम ट्रेन से वापस चेन्नई गए थे, अब चेन्नई से जाते टाइम फिर ये बीच में पड़ रहा है। ओ भाई गर्मी से रिवर के हाल देखो, पूरी रिवर सूखी पड़ी है, रिवर गायब हो गई पूरी, मतलब पानी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है इसमें, बताओ कितनी गर्मी है इस समय यहाँ पे।
यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे गाना बज गया, इतना मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये तो हम लोग रुक गए थे सुनने के लिए उसको। तो गाइस जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही फन कर रहे हैं हम लोग, फन करते हुए निकल रहे हैं क्योंकि हैक्टिक हो गया है आज थोड़ा, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, कल रात में लेट ही सोए थे तो थोड़ी थकान ज़्यादा हो गई हम लोग को। तो आज केवल ये सफ़र हमें कवर करना है किसी तरह, ताकि कल से प्रॉपरली मज़े ले पाए वहाँ के। पहले हम लोग कन्फ्यूज थे ऊटी और कोडाई कैनल के लिए, फिर बाद में डिसीजन लिया कि भाई कोडाई कैनल ज़्यादा बेस्ट है और कोडाई कैनल जाने के थ्रू हम लोग निकल जाएंगे फिर केरला के लिए, क्योंकि यहाँ आके केरला चले जाएंगे तो भाई मज़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वाओ ब्रो, क्या चिकनी मक्खन रोड है ये, क्या हाईवे पे होंगे, वाह भाई क्या जन्नत है भाई, अभी तो ये शुरुआत हो रही है अपनी। क्या प्रॉपर्टी है ये सब, क्या भाई नेचर को संभाल के रखा है इन लोगों ने। और मैं आसमान की ऊंचाइयों पे वो पहाड़ दिख गया मुझे, मुझे पहाड़ दिखता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं उसको 4 बार ज़रूर देखता हूँ। और वो दूर दूर पूरे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये कैमरे में नहीं आ रहा होगा इस टाइम। सनसेट होने वाला है तगड़े से, बिल्कुल खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, देखो भाई हरी घास के ऊपर जो सनसेट हो रहा है कितना अच्छा लग रहा है, मतलब चारों तरफ मेरे कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत खूबसूरत है, ये देखो भाई, वाह भाई, मतलब अलग ही फील आ रहा है हाईवे चलने पे। चेन्नई से चले थे तो बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आए हैं तिरुचिरापल्ली के पास तो ये बिल्कुल चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वो रहे खूबसूरत पेड़ और वो रहे खूबसूरत पहाड़ और वो रहा खूबसूरत सनसेट, वाह ब्रो वाह। तो भाई आखिरकार मैंने आपको दिखाई दिया ना पहाड़ों के पीछे का सनसेट, देखो भाई क्या सीनरी लग रही है, मस्त भाई, बादलों के पीछे सूरज जा रहा है और पहाड़ों के पीछे से आप देखो। गाइस अभी होने वाली है रात, थोड़ी देर बाद कोई व्यू नहीं दिखेगा यहाँ पे, और मुझे मन था कोडाई कैनल दिखाने का दिन में। तो भाई ये है कावेरी नदी, ये भी इसमें भी पानी बहुत कम है, बाकी नदियों मुझे समझ नहीं आ रहा पानी कितना कम किस वजह से है, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से भी कम हो सकता है। तो भाई अभी बचा है अप्रॉक्स 150-200 किलोमीटर और बज रहे हैं 8, तो अभी मेरा मन कर रहा है कि जाके डिंडीगुल साइड रुक जाऊँ थोड़ा होटल लेके, सुबह चलूँगा यार 50-60 किलोमीटर बचा है, क्योंकि जो नेचर दिखेगा ना वो वहीं दिखेगा एक्चुअली, और मज़ा भी वही आएगा। रात में पहुंच जाएंगे तो फिर ज़बरदस्ती की राइड हो जाएगी, तो अभी ऐसा करते हैं पहले निकलते हैं डिंडीगुल रुकेंगे, सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं अपना कोडाई कैनल के लिए। तो भाई अभी हम लोग कहाँ गए थे डिंडीगुल में स्टे कर लिया था, तो पहुँच नहीं पाते भाई, रात के 12 बज जाते हैं आराम से पहुँचते, और होटल लेने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती, इसीलिए हम लोग ने डिंडीगुल स्टे कर लिया था। डिंडीगुल कोडाई कैनल से अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर्स पहले पड़ जाता है, तो हम लोग आराम से आज सो लेंगे, 2 दिन से प्रॉपर नींद भी नहीं हो पा रही थी हमारी, और कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे कोडाई कैनल के लिए जिससे अच्छे अच्छे व्यू दिख जाएंगे हम लोग को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भाई हमें यहाँ हो रही कि नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिल रहा है, और जो मिलता है वो फिर जानते हो कैसा होता है, तो वो खाने से अच्छा साउथ इंडियन ही खा लो। तो होप करता हूँ आपको भाई वीडियो अच्छी लग रही होगी। अभी चलते हैं भाई, रेस्ट करते हैं, कल सुबह मॉर्निंग में फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही, 11 बज गए अभी, और खाना खा ले, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं हम लोग के, तो चलते हैं भाई, अभी नींद बहुत तेज़ आ रही है, बाकी कल सुबह मिलते हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो, सो हिट द लाइक बटन, बाकी बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।